मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य के 100 से अधिक परिवारों को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वीकृति पत्र के साथ ही परिवारों को 5,000 रुपए अतिरिक्त देने की भी घोषणा की है। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि DBT माध्यम से ऑनलाइन जारी की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अब तक उत्तराखंड में 16,472 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की ये योजना प्रत्येक जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उनको आवास मिले, उसके लिए योजना चलाई जा रही है। और आज इस योजना के इस 16,472 लोगों को इससे सीधे सीधे लाभ मिलने वाला है, उनको आवास मिलने वाले हैं और 1,30,000 रुपये की धनराशि उनके सीधे खातों में 3 किस्तों के माध्यम से उनके खातों में पहुंचेगी 60, 40 और 30 के रेशियो में, यानी कि पहली किस्त 60 की, दूसरी 40 की और तीसरी वाली 30 की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि देश के प्रत्येक गरीब के सर पर छत होनी चाहिए। इसी मकसद से उत्तराखंड की गरीब जनता को भी आवास स्वीकृति पत्र जारी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आवास बनने के बाद जरूरी सामान खरीदने के लिए राज्य सरकार अपनी ओर से हर लाभार्थी को 5,000 रुपए का अनुदान भी दे रही है। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेम भट्ट की रिपोर्ट।